वाले हैं मूंग दाल का ढोसा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है आप इसे सुबह सुबह अपने नाश्ते में डेली ले सकते हो और बहुत ही हेल्दी होता है ये तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है मूँग दाल यहाँ पर मैंने आधा किलो मूँग दाल लिया है पाँच सौ ग्राम जो कि मैंने नाइट में भिगो के रख दी थी और अब मॉर्निंग में मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है उसके बाद मैं इसको पीस रही हूँ पीसने के लिए मैंने इसको डाला है अपनी मूंग दाल को ग्राइंडर में और आपको इस मूंग दाल को ना अच्छे से साफ कर लेना है सुबह उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग हींग डालने ही, ही से क्या होगा ना कि आपको हाथ से इसको ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा अगर आप ग्राइंडर में ही डाल के साथ थोड़ा सा हींग डाल दोगे ना तो अच्छे से हींग मिक्स हो जाती है आपके पेस्ट में और मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा पानी और उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड और अब मैंने जो अपनी मूंग दाल है उसको ग्रैंड कर लिया है आप देख सकते हो मेरा पेस्ट आपका जो पेस्ट है वो पतला नहीं होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए आपके पेस्ट है ना मीडियम होना चाहिए जैसे कि मेरा है बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है उसके बाद आपको इस पेस्ट को दो मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और फेंटने के बाद इसको 20 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देना है जिससे क्या होगा ना कि अच्छे से फूल जाएगा और उससे बहुत अच्छा डोसा बनेगा तब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया सरसों का तेल वो मेरा गरम हो चुका है उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है जीरा और जब मेरा जीरा भुन जाएगा तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और हींग डालने के बाद में मैंने यहाँ पर डाली है चार लौंग और लौंग के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ की है काली मिर्च और अब मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है राई और राई डालने के जस्ट बाद यार मैं डालती हूँ करी पत्ता करी पत्तों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है राई के साथ मिलके अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ भूनने के बाद में मैंने यहाँ पर डाला है हरी मिर्च यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च लिया है। जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है उसके बाद में अपने मसाले को भून रही हूँ भूनने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी चना दाल ये मैं थोड़ा अपने जो मसाला है ना उसमें क्रिंची लाने के लिए डाला है बहुत अच्छी लगती है साउथ की तरफ हर मसाले में बहुत यूज़ करते हैं लोग इसको उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू आलू मेरे आधा किलो आलू थे पाँच सौ ग्राम उसके मैंने उन्हें बॉयल कर लिया है और अपने हाथ से उन्हें तोड़ लिया है आपको बहुत ज़्यादा उनको एकदम नहीं पीस देना है आलूओं को हाथ से तोड़ना है हल्का हल्का उनमें ना गुठली रहनी चाहिए आलू में छोटी छोटी तो उनका टेस्ट ही अलग होता है इसलिए मैंने अब उसमें मसाले में उनको डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और आपने इस मसाले को आपको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाना है और आपका मसाला बनके हो जाएगा रेडी उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चम्मच गरम मसाला और गरम मसाले को डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक पैकेट Uh, मैगी मसाला देखिए मैगी मसाले का जो टेस्ट है ना इस ग्रेवी में बहुत अच्छा लगता है बहुत अलग ही टेस्ट आता है इसके साथ मिक्स होके बट अगर आपको मैगी मसाला पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो बट मुझे पसंद है और सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप एक बार ट्राई करके देखिएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक टेबल स्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर लाल मिर्च भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून लिया है देखिए मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं ना आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऐसा नहीं कि मैंने जितना क्वान्टिटी बताई है आप उसी के हिसाब से करो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मसाले में तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका के और गैस को कर देंगे बंद हमारा मसाला हो जाएगा रेडी उसके बाद मैं लास्ट में ना यार अमचूर पाउडर डालना भूल गई थी इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला है हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मेरा मसाला हो गया बिल्कुल तैयार फिर अब इसे हम डोसे के अंदर डालेंगे ना बिल्कुल परफेक्ट डोसा बनेगा यार मूंग दाल का डोसा तो, है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आप सुबह नाश्ते में ले सकते हो इसको और ये बहुत खाने में अच्छा लगता है जो नेचुरल डोसा होता है चावल का डोसा और जो दाल वालों की डोसा बनते हैं सेम लगता है खाने में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है उसके बाद यहाँ पर पे मेरा पेस्ट हो गया रेडी और मैंने उसे निकाल लिया है एक बोल में उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है उसमें नमक नमक डाला है मैंने वन टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो और उसे अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद मैं मैंने अपना तवा रख दिया है गैस पे और उस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है उसके बाद मैं थोड़ा पानी की छीटे डाल रही हूँ जिससे क्या होना है कि जो तवे का जो तो टेम्परेचर है ना वो एकदम तो मेनटेन रहता है और डोसा ना आपको बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करना है हाई फ्लेम भी नहीं रखना है मीडियम फ्लेम रखना है अपने तवे का और जैसे मैं डाल रही हूँ मैंने यहाँ पर स्पून की हेल्प से अपना जो पेस्ट बनाया था वो तवे पर डाला है और उसको धीरे धीरे करके चारों तरफ फैला दिया है और वो एक गोल सेफ में आ गया है उसके बाद में जैसे मुझे लगा कि वो पक गया है मैंने उसको चेंज कर दिया है और आप देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने डोसा बना के कर दिया है रेडी और मेरा अब ये डोसा बन गया है और उसके बाद मैं यहाँ पर भर रही हूँ अंदर ग्रेवी मैं इसके अंदर जो मैंने मसाला तैयार किया था वो यहीं तवी पर डाल लूँगी और उसको डालने के बाद आपको थोड़ा डैप कर देना है स्पून से जिससे कि वो अच्छे से आपके डोसे पर छुपक जाए और उसके बाद अपने डोसे को आपको फोल्ड कर देना है और बस आपका डोसा बंदगी हो गया है रेडी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है और बहुत ही क्रिंची और ये डोसा बिल्कुल क्रिंची है एकदम क्रिंची डोसा बना है और बहुत ही परफेक्ट है आप घर पर बहुत इजी तरीके से मूंग दाल का डोसा बना सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा बाय सी यू टेक केयर टाटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो